हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों के बीच एसपी ने सोनाना के कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया। पाली एसपी राहुल कोटोगी देसूरी उपखंड में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के बीच सोमवार देर रात सोनाना स्थित जूनी धाम केतलाजी तीर्थ धाम पहुंचे और गेस्ट हाउस में स्थापित कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया। उपखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 37 तक जा पहुंचा है। एसपी कोटोगी ने केयर सेंटर पर तैनात चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ से मरीजों के उपचार व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। चिकित्सक ने उन्हें बताया कि इस समय इस सेंटर में कुल 24 पॉजिटिव मरीज होम क्वारंटाइन है, जिनमें से 6 मरीजों का पहला सैंपल नेगेटिव आने के बाद अब दूसरा सैंपल जांच के लिए पाली भेज दिया गया है। श्री सोनाना जूनी धाम केतलाजी ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह राजपुरोहित ने एसपी को बताया कि देसूरी ब्लॉक में एक साथ 18 पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के आग्रह पर ट्रस्ट के गेस्ट रूम को केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी देखरेख व्यवस्था ट्रस्ट ही कर रहा है। सेंटर में मरीजों को सुबह चाय एवं अल्पाहार, बाद में भोजन, दोपहर को नींबू पानी, शाम को चाय, बाद में भोजन व सोने से पहले हर्बल चाय दी जा रही है। पिछले दिनों संभागीय आयुक्त बाबूलाल कोठारी, प्रमुख प्रशासन सचिव आलोक गुप्ता व जिला कलेक्टर अंशदीप भी यहां सुविधाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रस्ट ने बाली, रानी व देसूरी उपखंड में 13,000 से अधिक राशन सामग्री के किट वितरित किए हैं। ट्रस्ट ने कोरोना वॉरियर्स अधिकारियों व कार्मिकों को 29,000 मास्क, 3,300 सैनिटाइजर व 4,000 लीटर हाइपोक्लोराइड वितरित किए हैं। कोटोगी ने केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जाहिर किया और ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में की जा रही जरूरतमंदों की सेवा व पुलिस प्रशासन की मदद की सराहना की। जागरूक टीवी के लिए सादड़ी से खेताराम जाट की रिपोर्ट।